पीपल एंड हिस्ट्री के लेटेस्ट बायोग्राफी अलर्ट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। 65-01, take one, action। ये दास्तां है एक अजीम शायर की, जो कि फिल्मों में गीतकार भी रहा, पर बड़ी मकबूलियत हासिल करी इन्होंने। नाम जान निसार अख्तर। ऐसा बताया गया कि इनका जन्म हुआ 18 फरवरी सन 1914 में। जान निसार अख्तर ने अपनी मैट्रिकुलेशन करी विक्टोरिया कॉलेजिएट हाई स्कूल ग्वालियर से, और सन 1930 में ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां पर इन्होंने अपनी बीए और एमए की डिग्रियां हासिल की। लेकिन कुछ पारिवारिक वजूहत रहे जो इन्हें ग्वालियर वापस ले आए, नहीं तो ये आगे की पढ़ाई लिखाई भी करते। बतौर उर्दू लेक्चरर इन्होंने ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज में काम करना शुरू कर दिया। इसी बीच इनका निकाह हो गया सफिया सिराजुल हक, जो कि अपने ज़माने के बड़े अजीम शायर मजाज की बहन थी। इस शादी से इन्हें दो बेटे हुए, जावेद और सलमान। पर ग्वालियर के हालात आज़ादी के वक्त ज़रा ठीक नहीं थे, लिहाजा जान निसार अख्तर भोपाल चले गए, जहां पर इन्होंने हमीदिया कॉलेज में उर्दू और फारसी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट की नौकरी पकड़ ली। बाद में इनकी शरीक हयात साफिया ने भी इनका साथ दिया। धीरे धीरे ये प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट का हिस्सा बन गए। तरक्की पसंद लेखकों में इनका नाम शुमार हो गया। पर सन 1949 के आते आते ये मुंबई चले गए, जहां पर उर्दू और हिंदी फिल्मों में ये गाने लिखने लगे। राज पिक्चर्स, लव इन हवाई, सॉन्ग नंबर 1, टेक 1। वहां पर इनकी मुलाकात हुई मुल्क राज आनंद, कृष्ण चंदर, राजिंदर सिंह बेदी और इस्मत चुगताई से। हालांकि बतौर गीतकार मकबूलियत जरा देर से ही मिली इन्हें, लेकिन तब तक इनकी शरीक हयात साफिया का कैंसर की वजह से इंतकाल हो गया। पर चूंकि इनके हालात इतने मजबूत नहीं थे, लिहाजा इनके बच्चे रिश्तेदारों के यहाँ पले। जान निसार अख्तर ने दूसरी शादी कर ली थी। सौतेली माँ का व्यवहार इनके बच्चों के प्रति अच्छा ना था। बाद में जावेद अख्तर भी मुंबई पहुंच गए और फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने लगे। ये सच्ची बात है। जान निसार अख्तर साहब ने सी रामचंद्र, ओपी नैयर, एन दत्ता और खयाम साहब जैसे बड़े दिग्गज संगीतकारों के साथ काम किया। इन्हें सही मायनों में मकबूलियत मिली एआर कारदार की फिल्म यास्मीन से, और गुरुदत्त साहब की फिल्म सीआईडी का वो गाना आंखों ही आंखों में, उसे कौन भूल सकता है। प्रेम पर्वत का गाना ये दिल और उनकी निगाहों के साए, नूरी का गाना आजा रे, और कमाल अमरोही की फिल्म रजिया सुल्तान का ए दिले नादान। ए दिले नादान गाने के लिए लता मंगेशकर का ये कहना था कि ये वो गाना रहा जो रिकॉर्डिंग के बाद भी उनके साथ रहा, उनके जहन में गूंजता रहा। और कमाल की बात यह है, इस गाने के मुतालिक सवाल पूछा था जावेद अख्तर ने, जो कि जान निसार अख्तर के बड़े बेटे हैं। हालांकि जान निसार अख्तर का अपने बेटे जावेद अख्तर के साथ रिश्ता जरा तलखी भरा ही रहा। कि आजकल या शायद पहले भी अक्सर ऐसा ख्याल होता था, लोगों को गलतफहमी थी। जान निसार अख्तर साहब दरअसल कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के थे, और एक बार इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट तक इशू हुआ था, जिसकी वजह से ये मुंबई में अंडरग्राउंड हो गए थे। इन्होंने फिल्म बहू बेगम को प्रोड्यूस भी किया और लिखा भी। अपने जीवन के आखिरी सालों में इन्होंने कुछ कलेक्शंस भी पब्लिश करवाई, जैसे कि खाक ए दिल, पिछली पहर, घर आंगन, जावीदां, साला सिल। इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया, और इनके बेटे जावेद अख्तर ने भी फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा नाम कमाया। बहुत बड़ी बात है कि इतने दिलों में आपके लिए मोहब्बत हो। लोग मतलब से तो मिलते हैं, मोहब्बत से कम मिलते हैं। जिन लोगों से लोग मोहब्बत से मिले हैं, बड़े खुशकिस्मत लोग होते हैं। और दूसरे बेटे सलमान अख्तर ने भी बड़ी मकबूलियत हासिल की। इनके पोते और पोती फरहान अख्तर और जोया अख्तर ने भी खासी मकबूलियत हासिल की। आई डोंट नो रियली नो व्हाट टू से। आई थिंक इट्स रियली फाइंडिंग द करेज टू फॉलो माय ड्रीम। वो और बात है कि इन्होंने जावेद अख्तर की बुलंदियां पूरी तरह से नहीं देखी, क्योंकि 19 अगस्त सन 1976 में इनका इंतकाल हो गया। बहुत कम फिल्मों के लिए इन्होंने गाने लिखे, पर जो भी गाना लिखा वो जुबान पर चढ़ा और अमर हो गया। खुदा करे के कयामत हो।
महान प्रतिभाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।